ये कहानी महज एक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है उन लोगों की जो समाज में रहकर भी अपने दुख को लोगों के सामने नहीं लाते और दूसरे लोगों को ये सीख देते हैं कि अगर समाज में रहना है तो जीना सीखो। लर्न टू लिव। लोग कहते हैं कि भगवान उन्हें सब कुछ नहीं देता, पर इन्हीं लोगों में कहीं उम्मीद की एक किरण लेकर कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी को जीना जानते। प्रभु जो भी मतलब आप पुछते हैं कोई भी डेट बारे पुछते हैं सब कुछ दस दिंदी है, बट आपको इन्ना पता नहीं होंगे है भी आ मतलब टाइम बारे टाइमिंग बारे मतलब आ डेट मतलब आ दिन आ डेट में, बट इन सारा कुछ ही पता होंगे है फ्यूचर का भी पास्ट का भी प्रेजेंट भी मतलब जो मर्जी पूछ लो इन जिमें आप पुछते भी आ तरीक न मतलब कि डे है ये नाल दी नाल ही दस दिंदी है। 20 September की डे है 2012। What is the bum? 20 Monday, Tuesday, Thursday, Thursday. Feeling the बहुत ज़्यादा हुई जब तो सानू पता चलिया ये बारे भी हम complications है। पर ऐसी चौंधे सी भी baby नू birth देगी। ये birth तो बाद ही सानू पता लगना सी भी यहाँ की problem है कि है नू की नहीं है। प्रेगनेंसी टाइम में तो कुछ नहीं सेना पता है कुछ नहीं क्या रहे। अच्छा बच्चे वो ना नहीं कुछ पास से अच्छा बच्चे ना तो वो ना नहीं मेरे को वो ना नहीं। डॉक्टर्स ने इतनी गल कही सी कि बेबी का वेट मतलब काफी कट है, वैसे कोई नहीं सी मतलब सानू दस्या उन्होंने भी हाँ बेबी नू और प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारा सानू इहदे बर्थ तो बाद ही पता चला। प्रबलीन स्कूल में आम बच्चों की तरह खेलती है कूदती है, whatever things we teach her she remembers, and even she remembers our birthday. Even we sometimes forget the birthday of our colleagues, she tells us ma'am today that ma'am is having birthday. Prableen is very friendly with all of us, and she always gives comments to teachers like ma'am you are looking very pretty, your suit is very pretty, like these type of comments. Prableen ka behavior bahut friendly hai, sab bachon ke sath bahut cooperative helpful hai वैसे भी, और इस क्लास में इसकी नोटबुक्स वगैरह भी हमेशा कंप्लीट रहती हैं। रिटन वर्क में ये बहुत अच्छी है और इसकी ऑब्जर्वेशन पावर भी काफ़ी अच्छी है, मेमोरी इसको बर्थडेज वगैरह सबके जैसे याद रहते हैं तो मेमोरी पावर भी इसकी अच्छी है वैसे बच्चों के साथ। Students are very caring and very intelligent girl. We people often on looking her think that she is not a normal child, but on my assessment she is very brilliant, because sometimes we as a normal people don't even look towards the people surrounding us, but she never miss to compliment if someone is looking very good. मेरी बीनी जो डॉक्टर को जाना शुरू किया लेके इतने मंडी गोविंदगढ़ डॉक्टर गोयल साहब को गए थे, उन्होंने सानू ये बारे दसिया भी मतलब हार्ट की प्रॉब्लम अखा का कैटरेक्ट एक हरनिया प्रॉब्लम हैगी, फिर तो अभी खन्ने डॉक्टर जीत को ले गए, उन्होंने सानू CMC डायरेक्टर का भेजता उत्तर उन्होंने उत्तर उसी लुधियाने के पिछले सब को सीट मिले, उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने सानू स्प्रेज कराया इतने CMC फिर सारा उत्तर ट्रीटमेंट चलती है जी, जो नमोनिया वगैरह होया नमोनिया से काफ़ी ज़्यादा नमोनिया तो ठीक करवा के अभी उन्होंने जितना डॉक्टर सलाह दी फिर अभी उत्तर दिल्ली लेके गए स्कॉट
ਜਾਂ ਸਕੋਟ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਲਦੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਓ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਜਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਤਾਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਸੀ ਸਰ, ਅਤੇ ਸਕੋਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਮਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जब बात करती हूँ मेरे साथ मतलब इसके साथ एक फीलिंग आती है कि ये बच्ची ऐसी क्यों है, मुझे ऐसा लगता है कि काश इसका कुछ भी दर्द कुछ भी मैं ले सकूँ, सीरियसली अंदर से लगता है थोड़ा सा दर्द भी ले सकूँ ना, मुझे नहीं लगता मैं इसकी तरह जी पाऊंगी जैसे हम बच्चे बहुत ही मतलब अलग सा मिला देखने देखो फिर बहुत टैलेंट है होशियार बच्चे इस गल गलबात कर भी लगते जिदा ना जिदा याददाश्त नहीं हुए तो कोई मतलब जो कोई चीज़ होंगे फंक्शन होंगे ये सब याद होंगे कि जन्मदिन है कोई भी देखो इन्ना सी कोई हादसा होंगे जिस तरह वह भी इन बड़ा याद रहा भी देखो एक पास मेरा मतलब हैल्पफुल है हैल्प करती है हर थान से हरेक जगह मतलब घर दे कुछ मतलब बोलते हैं मैं या कोई मतलब झटका मारते हैं तो उन्होंने भी जाके रोक दे वीर जी ने कुछ कहना नहीं है तो मतलब कुछ कह नहीं किसी भी दिखती है। प्रवीण एक ऐसा बच्चा जिसकी विल पावर बहुत ज़्यादा, विल पावर माने कि जैसे उसकी उम्र 16 साल है और वो 10 साल की है तो वो एक अपनी उसके अंदर विल पावर की वजह से वो देखा जाए तो जिंदा, क्योंकि ड्यूरिंग रिसर्च के टाइम मैंने जैसे उसके घर पे मैं 2 दिन रहा तो मुझे देखने को मिला कि सब कैसे उसके आगे पीछे भागते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो उसके अंदर भी वो जीने की शक्ति है, उसके अंदर एक इच्छा है, वो इच्छा शक्ति से वो जी रहे हैं, उसके अंदर इतनी मतलब कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, मैथमेटिक्स उसके अंदर कैलेंडर की इतनी है बहुत ज़्यादा, तो एक ना एक उसमें ये पॉइंट है कि जिससे बंदा ना चाहते हुए भी ना प्रभावित हो जाता है। और बात देखी जाए उसके पेरेंट्स के बारे में देखा जाए तो ये मेरे उनके लिए भी हैट्स ऑफ है कि उनको प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी मदर को मालूम था, डॉक्टर ने बताया कि वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ बच्ची पैदा होगी लेकिन उन्होंने फिर भी उसे जीने का मौका दिया। तो ये हमारी टीम मेरी पूरी टीम की तरफ से ये मैसेज है सबके लिए, जहाँ आजकल पंजाब में इतना फीमेल फॉर्टिसाइड बढ़ रहा है, पंजाब के फतेहगढ़ ज़िले में बहुत ज़्यादा पाया गया है, ऑल ओवर इंडिया, तो उनको अगर पता लगता है कि हाँ गर्ल चाइल्ड है तो वो तभी बच्चे को मरवा देते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं चाहिए। एक मैसेज मिलता है कि अगर ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको पता है कि गर्ल चाइल्ड होने के बावजूद एबनॉर्मल होने के बावजूद उन्होंने जीने का मौका दिया तो वैसे ही आप भी बने, क्योंकि लड़की आधार है जीवन का। प्रवीण में मैंने यही देखा कि उसको अब 16 ईयर्स ओल्ड हो गई है कि उसको जो मामा ने उसको जो समझाया, जो उसको टीचर्स ने उसको समझाया, उसने उसी चीज़ को ग्रैप करके अपने माइंड में ऐसे ऐसे फोल्डर बना रखे हैं कि वो कभी भी उन फोल्डर्स को खोल के उन्हीं चीज़ को रिवाइंड करती रहती है। जैसे आपने देखा वो मिरर से बात करती है, ऐसा करती है, तो प्रवीण में जो काबिलियत है वो आम बच्चों में नहीं है। अगर कोई बच्ची बड़ी हो कल मतलब ब्याह हों बच्ची का अगे वो एक आप जनरेशन पैदा करती है, वो उस कारण ही तुम खड़े हो इस टाइम इस धरती के उत्ते, और थोड़ी जो जन्मदिन वाली एक माँ है वो एक औरत जी को भी किसी टाइम इसी तरह बच्ची पैदा हुई थी। एक्चुअली जो बोल नहीं ना पाती अंदरों उदो मैं फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, किसी के सामने मैं देख नहीं पाती एक्सैक्टली अपना जो एक्सप्रेशन जो अपने अंदर
जो अपना अपनी गल नू एक्सप्रेस करना किसी सामने असी अपनी गल ना कह सकी अंदर जो होवे तां असी अपने आप फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं सोई चीज असी महसूस कर रहे साड़ी बच्ची अंदर जो जो कहना चाहती है वो सामने और मैनू ये सारे बच्चों को वध के खुशी दिंदी है बिल्कुल भी इन ये हो जाता भी मेरी मम्मा रोवे ना दूसरे बच्चों को ज़्यादा वध के मेरा ध्यान करती है और मेरे मन के बच्चे ये इन्ना ज़्यादा प्यार है इन्ना ज़्यादा भी मैं चाहनी हाँ भी मैं प्यार तक लैके आऊँ। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छूना चाहती है जिसका सपना एक आम आदमी देखता है। एक ऐसी लड़की जो समाज में रहती है वो भी इतनी खुशी के साथ मानो जैसे उसके साथ कभी कुछ हुआ ही छोरा की छोरा दिपी दिपा की दिपी छोरा की छोरा दो आवे दो आवे दो दिपी दिपा की दिपी छोरा की छोरा दो आवे दो